हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए जानते हैं कि एस रैम और डी रैम, यानी कि रैम के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एस रैम, जिसे हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, और दूसरा होता है डी रैम, जिसे हम डायनेमिक रैम बोलते हैं। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो आइए जानते हैं। रैम है और ये डी रैम का कॉलम है। तो आइए जानते हैं, एस रैम को स्टैटिक रैम के नाम से जाना जाता है, यानी एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम होता है, आप देख सकते हैं, और डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एस रैम होता है उसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि डी रैम को जो है पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ताकि डेटा को हम मेंटेन कर सकें। तीसरा जो है इट इज एक्सपेंसिव, यानी कि ये बहुत ही महंगी मेमोरी होती है। जो एस रैम होती है वो काफी महंगी होती है और हर जगह प्रयोग नहीं करी जाती है, ठीक है। और जो डी रैम होती है वो सस्ती होती है इन कंपेरिजन टू एस रैम, ओके। आजकल मोबाइल फोन वगैरह में तो डी रैम ही यूज करी जाती है। कंज्यूम मोर पावर, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, जबकि इसकी बात करें, यानी कि डी रैम की बात करें, डायनेमिक रैम की, तो ये जो है बहुत ही लेस पावर कंज्यूम करता है। इसके बाद जो कैशे मेमोरी आपने पढ़ी होगी, जो फ्रिक्वेंट डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होती है, जिसकी साइज बड़ी ही छोटी होती है, वो बनती है एस रैम से। यानी कि अगर आपको कैशे मेमोरी चाहिए तो वो आप एस रैम से बनती है, ठीक है। तो यूज्ड एज अ कैशे मेमोरी इज द 5th ऑप्शन, ओके। एंड ये जो है रैम के तौर पे यूज होता है। आजकल के जो सिस्टम हम यूज करते हैं उनमें रैम के तौर पे इसको यूज करा जाता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।